शलभासन। पेट के बल लेट जाइए, अपने हाथों को धड़ के नीचे रखें, हथेलियों से जांघों को सहारा देते हुए अंदर श्वास लेते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास रोके हुए इस स्थिति में जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास छोड़ते हुए अपना पैर धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को अब अपने बाएं पैर से दोहराएं। अंदर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। यह आसन आपकी पीठ, पेट, पैरों के मसल्स और हिप जॉइंट्स के लिए लाभदायक है। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाइए, हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए, कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं, कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। यह करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड़कर धड़ को हथेलियों के बल उठाना है। याद रखिए, यह करते समय आपको श्वास अंदर लेना है। इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। योग स्थितियों में यह जरूरी नहीं कि आप एक स्थिति में कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड रुकें। जितना मुमकिन हो उतना ही करें।